गाइस वेलकम बैक टू अगेन इन माय डेली चैलेंज ऑफ ब्लॉगिंग और आज जो है व्यूअर्स इतने दो भरी बस आज जो है मैं आई हूँ कॉफी बनाने और कॉफी ऐसी वैसी नहीं जो न्यू स्टाइल चला है आजकल कॉफी का उस स्टाइल से कॉफी बनाने के लिए जो छन्नी से कॉफी को फेंटते हैं उस तरीके से कॉफ़ी बनाने आई हूँ और कल भी कॉफ़ी पी थी बहुत मज़ा आया था और अभी जो बना रही हूँ मैं कॉफ़ी तो मैं आपको बताती हूँ कैसे बना रही हूँ। ये मैंने कॉफ़ी ले ली है और ये चीनी है और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा गर्म पानी क्योंकि वीडियो में ऐसा ही दिखाया था और गिर जाना वीडियो में ऐसा दिखाया था थोड़ा सा गर्म पानी और ले लूँगी मैं छन्नी और छन्नी से इसको इस तरीके से मैश करूँगी और इसको मैश करते करते इसमें जो फॉर्मेंटेशन होगी इसकी कॉफ़ी की तो ये बन जाएगी हमारी कॉफ़ी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, जब ये हो जाएगा तब मैं आपको बताती हूँ करके कि कैसे कॉफ़ी बन रही है, तो इसके लिए टाइम लगेगा। अब ये देखो इस कॉफ़ी का कलर थोड़ा सा गाढ़ी होने लगी है, जब मैंने इसको डाला था तब ये पानी थी, अब ये थोड़ी सी ऐसे गाढ़ी होने लगी है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस करते रहना है और इसको इस तरीके से करते रहना है। मैंने भी ये नेट पे देखा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस ट्रिक से मैं भी कॉफ़ी तैयार करूँ। इसमें लगने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम। अब देखो थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है ना, अब ऐसे निकल नहीं रही है, छन्नी से भी निकल नहीं रही है नीचे की तरफ को, और गाढ़ी हो गया मतलब बस होने वाला है इस तरीके के पर। तो ये मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई है और कितनी फॉर्मेंटेड हो गई है और कलर भी चेंज हो गया है और छन्नी से भी निकल नहीं रही है। अब जो है मैंने दूध जो डाला है वो गर्म हो गया है, अब मैं इसको कप में डाल देती हूँ और अपनी कॉफ़ी उसके ऊपर से सर्व कर दूँगी। दूध में मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दी थी और ये जो मेरे फॉर्मेंटेड हुई कॉफ़ी है, जो मैंने मिक्स की हुई कॉफ़ी है, मैं इसको इसके ऊपर डाल रही हूँ अच्छे से, और बाद में जिसने मतलब अपने हिसाब से सिप लेके पीनी हो तो वो उस तरीके से पी लेंगे जैसे ऊपर से कॉफ़ी का टेस्ट आएगा, जिसने मिक्स करनी होगी वो मिक्स करके इसको पी लेंगे। और ये बहुत अच्छी बनी है, आप भी इस ट्रिक से ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही अच्छी कॉफ़ी बनती है यार। जिस तरीके से हम चम्मच या कटोरी में कॉफ़ी को फॉर्मेट करते हैं मतलब इसको अच्छे से बनाते हैं, उस तरीके से इस चीज़ में छन्नी से बहुत ही कम टाइम में कॉफ़ी तैयार हो गई है बन के, बहुत ही ज़बरदस्त कॉफ़ी बन के रेडी हुई है, एक नंबर कॉफ़ी दे रेडी हुई है बन के। बाजार में अंग्रेज भी घूम रहे हैं, अंग्रेज घूम रहे हैं। ऐसे तो टूरिस्ट प्लेसों पे ही मिलते हैं अंग्रेज, वो हिमाचल घूमने आते हैं, कुल्लू शिमला धर्मशाला, बट आज यहाँ हमीरपुर में भी अंग्रेजों की औलादे देखने को मिल रही हैं। हमीरपुर में घूम रही है अंग्रेजों की औलादे, तो चलते हैं दिखाती हूँ मैं आपको अगर आगे से फेस व्यू हुआ तो उनका। यश के पापा के लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था ये वाला लोअर नहीं सॉरी ट्रैक सूट, तो ये मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ढीला है, बट ये बोल रहे हैं ठीक है तो ठीक है, ठीक है तब आप बोल रहे हैं ठीक है तो ठीक है, मैं इस वीडियो में डालूंगी आपको जो लार्ज साइज मंगवाया था ना वो मुझे फिट आया, और मैंने एक्सल मंगवाया तो ये इनको ढीला हुआ, क्या माजरा है, मैं कौन सा साइज मंगवाऊं उनके लिए।
मैं मनीषा की बेबी के लिए कैप लाई हूँ और अब मैं पहना के दिखाऊंगी कि कैसी है, कैसी हुई उसको बेबी को। मुड़ा कुत्तू कहाँ देखे मम्मा, कहाँ देखे मम्मा, ओए कुकी दाई, ये समझे सकते नहीं है पकड़े। कुकू कुकू मेरा कुकू कहाँ है, पकड़े मेरा मुन्नु कहाँ है, बढ़िया है यार देवे दाद ना छोड़ी मुम्मू कहाँ है, वो छोटा बच्चा कहाँ है, ओए ओए फोन के क्या चकी है, वो तू क्या चकी है, मेरा मुन्नु ने क्या चकी है, वो तू नींद लग रही, नींद तो रात 11 बजे की लेकिन 1 बजे कुत्तु 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 छुछु तो बब्बा ज्यादा कर लात वो कितिया नहीं तेरी आंटी की डिसीगी थी रोजा सदा लागा